गुज़श्ता हमने डेटा टाइप्स को पढ़ा था और आपको बताया था कि दो तरह की डेटा टाइप होती हैं। नंबर एक पे प्रिमिटिव डेटा टाइप और नंबर दो पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, जिसे हम रैपर डेटा टाइप भी कह देते हैं। ठीक हो गया, रैपर डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप टोटल कितनी है? आठ है। टोटल कितनी है प्रिमिटिव डेटा टाइप? आठ है। और वो आठ प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन सी है? नंबर एक पे बाइट, शॉर्ट, नेम, डॉट, फ्लोट, डबल, बूलियन, स्ट्रिंग नहीं है, करेक्टर, सी एच करेक्टर, ठीक है, आठ हो गए। इसमें पहले जो चार हैं बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ये नंबर्स को हैंडल करती हैं, ऐसे नंबर्स को कि जिसमें कोई इशारिया डेसिमल ना हो। फ्लोट और डबल किसको हैंडल करती है? भी नंबर्स को ही हैंडल करती हैं, लेकिन इशारिया वाले। बूलियन में कितनी वैल्यूज आएंगे? सिर्फ दो वैल्यूज आएंगे। कौन कौन से? ट्रू और फॉल्स आएंगे, ठीक है। करैक्टर अभी हमारी डेटा टाइप पढ़ने वाली रहती है। एक चीज तो ये, अब हम आते हैं करैक्टर डेटा टाइप की तरफ। करैक्टर डेटा टाइप बहुत कम इस्तेमाल होती है, ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती। करैक्टर डेटा टाइप बुनियादी तौर पे इस्तेमाल क्यों की जाती है? ये कि हमारे इंग्लिश के जो भी हरूफ होते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ हो गया, सिंबल्स होती हैं, फिर अलामत होती हैं, जिस तरह एट द रेट अलामत है, इशारिया हो गया और कालन हो गया, डॉलर साइन हो गया, ये सारे के सारे सिंबल्स होते हैं। इसी तरह नंबर हो गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वगैरह। ये कंप्यूटर में जब सेव होते हैं, अगर हम ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, डी लिखते हैं, तो कंप्यूटर में ए बी सी डी ई सेव नहीं होता। कंप्यूटर में इनका एक कोड होता है, वो कोड कंप्यूटर में सेव होता है। कंप्यूटर में क्या सेव होता है? अगर हम ए लिखेंगे ना, कंप्यूटर को नहीं पता ए क्या चीज है, ए के पीछे एक कोड होता है, वो कोड प्रोसेसर के पास जाता है और वो कोड ही आपकी मेमोरी में, हार्ड डिस्क में सेव होता है। तो लिहाजा अब आपने देखा होगा कि जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आप बहुत से फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। हम उर्दू में भी लिखते हैं और उर्दू में भी जमील नूरी नस्ताली के एक फॉन्ट है और नफीस नस्ताली के एक फॉन्ट, कई से कई तरह के फॉन्ट्स होते हैं। आप उन फॉन्ट्स की मदद से अपने टेक्स्ट को मजीद खूबसूरत बना देते हैं। इसी तरह जो इंग्लिश है, इंग्लिश में भी बहुत से फॉन्ट होते हैं, हम उसे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे वर्ड खोल लूं। बहुत से फॉन्ट्स बनाए जाते हैं आप, ताकि जो टेक्स्ट है वो खूबसूरत दिखाई दे। अब होता यह है कि मिसाल के तौर पे ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ए से लेके जी तक जितने भी हरूफ हैं ये वैसे ही जाके कंप्यूटर में सेव नहीं होते। इनके क्या सेव होते हैं कंप्यूटर में? कोड सेव होते हैं। हम उन कोड को देख भी लेते हैं यहां पे। उन कोड्स को कहा जाता है, एक स्टैंडर्ड बनाया गया, फिर क्या बनाया गया? एक स्टैंडर्ड बनाया गया, जिस स्टैंडर्ड को कहा जाता है ASCII। क्या कहते हैं? ASCII। ASCII कोड, ASCII ये मुखफ्फ है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का। हर एक हर लफ्ज का पहला पहला हरफ ले लिया गया है, अमेरिकन से ए ले लिया गया, स्टैंडर्ड से एस, सी स्टैंड फॉर कोड, आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन और दूसरा आई स्टैंड फॉर इंटरचेंज। ठीक हो गया। अब हम यहां पे आते हैं, एक इमेज ले लेते हैं, यहां से हम कोई देखते हैं। साल के तौर पे ये कुछ बेहतर नहीं है, यहां पे आ गया वर्ड का प्रोग्राम है, मैं यहां पे लिखता हूं इन द नेम ऑफ अल्लाह।
क्लिक हो गया और मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। ये एक फॉन्ट है, यहाँ पे आप आएंगे, ये यहाँ पे आके और बहुत से फॉन्ट्स आ रहे होंगे, ये टाइम्स न्यू रोमन, इस पर करेंगे तो इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे आके आप ये वाला करेंगे तो स्टाइल इस तरह का हो जाएगा, ठीक होगा। ये फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फॉन्ट स्टाइल होते हैं। अब अगर होता यूं कि एक फॉन्ट मैंने बनाया है, एक इंग्लिश का एक फॉन्ट मैंने बनाया और मैंने जो भी फॉन्ट बनाया, जारी बात है कोई भी फॉन्ट होगा उसमें ए से लेके जी तक सारे हरूफ होंगे ना, तो मैं क्या करता हूँ, और कंप्यूटर में ए सेव नहीं होना, कंप्यूटर में क्या सेव होगा, ए का कोड। मैं मिसाल के तौर पे रख देता हूँ ए का कोड 10 होगा, ए का कोड क्या होगा 10। दुनिया में कोई दूसरा बंदा कोई फॉन्ट बनाता है, ठीक है, और वो मिसाल के तौर पे रख देगा ए का कोड 20 रख देगा, क्या रख देगा 20। कोई तीसरा बनाएगा वो ए का कोड 30 रख देगा, ठीक हो गया। लिहाजा और उसने मिसाल के तौर पे मैंने ए का कोड रखा 10 और बी का रखा 20, किसी दूसरे ने बनाया उसने ए का कोड रखा 20 और बी का कोड रख दिया 30 रख दिया, ठीक हो गया। जब मैं उसका फॉन्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऊपर मैंने दो हरूफ मिसाल के तौर पे लिखे यहाँ पे ए और बी, क्या लिखे ए और बी, ठीक। अगर यहाँ पे किसी दूसरे बंदे ने ए का कोड रखा होगा 20 और सी का कोड और बी का कोड रखा होगा 30, तो यहाँ पे ये उलट हो जाएगा, ए की जगह पे क्या आ जाएगा बी और बी की जगह पे क्या चला जाएगा ए चला जाएगा। मैं यहाँ पे और वाजे कर देता हूँ, मैं ए का कोड मैंने क्या रखा हुआ 10, बी का कोड 20। एक और बंदा है उसने क्या किया, ए का कोड क्या रखा 20 और बी का कोड मिसाल के तौर पे रख दिया उसने 10 रख दिया मिसाल के तौर पे, ठीक है जी। अगर मैं उसका फॉन्ट इस्तेमाल करूंगा मेरा तो सारी लिखाई बदल जाएगी, ऐसा ही है ना, जहां पे बी है वहां पे क्या आ जाएगा ए, जहां पे ए है वहां पे क्या आ जाएगा बी। लिहाजा पूरी दुनिया में, अब पूरी दुनिया में फॉन्ट बनाने वाले मौजूद होते हैं, लिहाजा पूरी दुनिया में फॉन्ट की यकसानियत पैदा करने के लिए कि भाई दुनिया में जिसने भी कोई भी फॉन्ट बनाना है, लिहाजा एक स्टैंडर्ड तय कर दिया गया कि भाई ए का कोड हमेशा ये होगा, बी का कोड हमेशा ये होगा, सारे उसी कोड को ही इस्तेमाल करेंगे ताकि यकसानियत रहे, ताकि कोई किसी का भी कोड इस्तेमाल करे तो उसकी लिखाई में, उसके टेस्ट में किसी तरह की कोई तब्दीली ना आए। इस स्टैंडर्ड को कहा जाता है ASCII, क्या कहा जाता है ASCII। इस स्टैंडर्ड को हम क्या बोलेंगे ASCII स्टैंडर्ड बोलेंगे। अब यहां पे हम यहां पे आ जाते हैं, यहां पे ये देखेंगे कि हम ये सारे स्टैंडर्ड हैं। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि नीचे आते जाएं यहां पे ए लिखा नजर आ रहा है, ए का कोड क्या है 65, बी का 66, सी का 67, डी का 68, ई का 69। अभी पूरी दुनिया में ये अगर आप ए लिखते हैं ना कंप्यूटर पे, ए नहीं सेव होगा कंप्यूटर में, क्या सेव होगा 65, क्या सेव होगा 65। आप बी लिखते हैं तो बी नहीं सेव होगा, क्या सेव होगा 66, सी लिखेंगे तो 67, डी लिखेंगे 68, ये सेव, ठीक है। अब कोई भी दुनिया में कोई भी अपना फॉन्ट बनाना चाहेगा वो बाउंड होगा कि ए का हमेशा कोड वो क्या रखेगा 65 रखेगा। ये चीज क्लियर होगी, अगर किसी ने इन पेज पे काम किया हो और पुराने वर्जन पे किया हो 2.0 जो उनका वर्जन था, तो आपने देखा होगा इन पेज पे आप जो भी लिखते हैं अगर आप उसको कॉपी करें वर्ड में तो कॉपी नहीं होता था, वो टेक्स्ट सारा ही बदल जाता था, क्योंकि इन पेज के जो अपना इसे कहते हैं यूनिकोड, जो यूनिकोड थे वो स्टैंडर्डाइज नहीं थे, वो ASCII उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए हुए थे, जिसकी वजह से वर्ड का प्रोग्राम ASCII कोड को ले रहा है, उनका ASCII कोड नहीं था, वो लिखाई सारी बदल देता था। और इन पेज 3.0 में आके उन्होंने फिर अपना स्टैंडर्ड चेंज किया और अभी वो भी उसी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, यूनिकोड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ASCII कोड पे वो भी आ चुके हैं। अब आप इन पेज से वर्ड में कोई कॉपी करना चाहें अब कॉपी डेटा हो जाता है, पहले नहीं होता था, ये ASCII कोड होते हैं। अब हम आते हैं, अब ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि ये ASCII कोड होते क्या हैं, कि जो भी फॉन्ट बनता है हर फॉन्ट का कोई ना कोई नंबर होता है, हर हरफ का कोई ना कोई नंबर होगा, अगर आपने कोई भी फॉन्ट बनाना तो उस नंबर की आपको रियायत रखनी लाजमी होगी। अब हम आते हैं करेक्टर डेटा टाइप की तरफ, और मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि जो करेक्टर डेटा टाइप है ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, ठीक हो गया जी। हम यहां पे आते हैं, अच्छा जी, मैं यहां पे एक वेरिएबल लेता हूं
ये डेटा टाइप होगी करेक्टर की, मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ जी अल्फाबेट, उसका मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया, मैं कहता हूँ जी 65, क्या कहता हूँ 65, ठीक है। 65 किसका कोड है? ए का कोड है, लिहाजा यहाँ पे 65 मैंने लिखा, तो ये क्या जाएगा कंप्यूटर की मेमोरी में जाएगा, देखेगा 65 किस चीज का कोड है, 65 किसका कोड है, ए का, लिहाजा जो ए होगा वो अल्फाबेट को रिटर्न कर देगा। अल्फाबेट जो हमने बनाया, वेरिएबल बनाया, इसके पास कौन सी वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी, 65 की वैल्यू नहीं आएगी। हम देखते हैं कि वाकई ऐसा ही होता है, हम इसका प्रिंट लेते हैं और अल्फाबेट लिख देते हैं, प्रिंट क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, प्रिंट क्या हो रहा है, ए हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या है 65, मैं यहां पे आके कर देता हूं 78। अब देखते हैं क्या चीज प्रिंट होती है, क्या प्रिंट हुआ, एन, मैं यहां पे कर देता हूं 88। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है, क्या प्रिंट हुआ, स्मॉल है या कैपिटल है, कैपिटल, मैं लिख देता हूं 120, 120। अब देखें क्या प्रिंट होता है, क्या प्रिंट हुआ, स्मॉल है, स्मॉल हरूफ के अलग से कोड हैं और बड़े बड़े जो हैं अल्फाबेट्स हैं उनके अलग कोड है, ठीक हो गया। तो ये करेक्टर डेटा टाइप होती है कि आप कोई भी यहां पे नंबर दे दें, वो खुद देखेगा कि इस नंबर के अगेंस्ट कौन सा लेटर है, कौन सी सिंबल अलामत है, वो उसे रिटर्न कर देगा और वही प्रिंट होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं 189। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है, ये वाला साइन प्रिंट हो गया, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं 512। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है, ये वाला साइन प्रिंट हुआ, ए जिसके ऊपर ये दो वो भी निशान नजर आ रहे हैं आपको, ये प्रिंट होगा, ठीक हो गया। आप अगर चाहते हैं कि भाई मैं यहां पे जो चीज दे रहा हूं नंबर के अलावा, नंबर के नंबर आप यहां पे एक भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, तीन भी। अभी मैंने कितने नंबर पे मुश्तमिल है ये वाला, तीन। मैं यहाँ पे एक नंबर वाला देना चाहूं वो भी दे सकता हूं, मैंने सिर्फ 9 दिया यहां पे, इसको प्रिंट करके देख लें, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, कुछ अल्फाबेट कुछ सिंबल जैसी होती हैं जो नॉन प्रिंटेबल होती हैं। क्या होती हैं? नॉन प्रिंटेबल का मतलब क्या होता है कि वो चीजें प्रिंट नहीं होती, ये भी उन्हीं में से आ रहे हैं। ये जो आपके नोट्स हैं इनमें ये चीज मैंने मेंशन कर दिया कि कहां से लेके कहां तक के जो कोड है वो नॉन प्रिंटेबल है। आप एक वाला भी दे सकते हैं, आप दो वाला भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो वाला दे दिया 34। देखते हैं क्या प्रिंट होता है, ये वाला जो डबल कोड्स हैं वो प्रिंट हो गए। आप तीन पे देना चाहें तीन वाला भी दे सकते हैं, 6, 7, 8। क्या प्रिंट हुआ, इस तरह का कोई टी एस टाइप की कोई साइन है। आप चार वाला भी देना चाहें चार वाला भी दे सकते हैं, 3, 4, 5, 2। ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक हो गया। ये सिंबल्स हैं इस तरह की, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप यहां पे जो लिख रहे हैं वही प्रिंट हो, क्या हो, और वो नंबर के अलावा हो, आप ए प्रिंट करवाना चाहते हैं, बी प्रिंट करवाना चाहते हैं, एम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप वो भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपने सिंगल कोर्स में देने हैं, वो किस में देने हैं, सिंगल कोर्स में। ये वाला, ये सिंगल कोर्स आ गए, मैं यहां पे लिख देता हूं ए, क्या लिखा है, A. अब क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा, सिंगल कोर्स में देना है, डबल कोर्स में नहीं देना। क्या प्रिंट हो रहा है, ए। मैं यहां पे अब दे देता हूं जी, और समाल दे, ये हाँ ठीक है, ये जी समाल ये जो भी है ये देता हूं, समाल पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लें, प्रिंट हो गए। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई इंग्लिश का हरफ देना चाहते हैं, वो आप एक ही दे सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं दे सकते। अगर मैंने यहाँ पे यूं करता हूं कि ए बी दो प्रिंट कर दो, वो साथ ही वो नीचे क्या दे रहा है, आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बता देगा टू मैनी करेक्टर्स, कि आपने एक से ज्यादा करेक्टर दे दिए, और करेक्टर वाली डेटा टाइप में ये अलाउ नहीं है। अगर तो नंबर्स हैं तो आप दे सकते हैं, नंबर एक से जायद दे सकते हैं बगैर कोड्स के। अगर आपने नंबर्स भी कोर्स में लाने हैं तो आप यूं ले आए 8। अब मैंने क्या प्रिंट करवाया, क्या प्रिंट हुआ, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 8, 9 तो मुझे इजाजत कर ऐसे करने देगा नहीं, नहीं।
अगर तो आपने कोर्स में लेना है तो फिर यहाँ पे सिंगल करेक्टर होना चाहिए कोर्स में, क्या होना चाहिए? और अगर आप कोर्स में नहीं देना चाहते तो फिर आप कोर्स में ना दें, आप सिंपल फिर कोड दे दें और जो मर्जी कोड दे दें, और आप एक से ज्यादा भी दे सकते हैं। अब ठीक है, आप फिर इसके अगेंस्ट जो सिंपल होगी वो आ जाएगी। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर हुई। जो करेक्टर डेटा टाइप है इसके बारे में कहा जाता है ये बैकवर्क स्ट्रिंग बी है, स्ट्रिंग और नंबर भी, इंट भी है, इंटीजर भी है, बैकवर्क स्ट्रिंग भी है और इंटीजर भी है। स्ट्रिंग कैसे है, स्ट्रिंग कैसे है, देखें वाई क्या प्रिंट होगा, वाई वाई प्रिंट हो गया जी। मैं नीचे स्ट्रिंग का वेरिएबल लेता हूं, स्ट्रिंग का हमने डेटा टाइप पढ़ी थी ना, स्ट्रिंग लेटर इक्वल टू, और स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू देनी है किसमें देते हैं, डबल कोट्स, मैं यहां पे दे देता हूं वाई, ये ले। दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए, एक ही जैसा आना चाहिए ना, ऊपर भी वाई प्रिंट। अच्छा यहां पे प्रिंट क्यों नहीं हुआ, ये वाला साउट नहीं लिया हुआ लेटर। अब हम इसे रन करते हैं, देखिए अब ऊपर भी वाई प्रिंट हो रहा है, नीचे भी वाई प्रिंट, दोनों में कोई फर्क है? लिहाजा जो स्ट्रिंग काम कर रही है वही डेटा टाइप कौन सी काम कर रही है, करेक्टर की। इस मानी में ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। इस मानी में करेक्टर डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। और ये करेक्टर डेटा टाइप जो है ये इंटीजर भी है, क्या है, इंटीजर कैसे। अब हम उसकी तरफ आते हैं, करेक्टर टेस्ट वन मैंने वेरिएबल लिया, बल्कि ऐसा कहते हैं नंबर ले लेते हैं वेरिएबल का नाम, नंबर इक्वल टू 6 7। ठीक हो गया, मैंने अभी कौन सा नंबर लिया है, 6 7 का। मैं करवाता हूं इसको साउट, नंबर प्लस वन, नंबर मैंने कहा कि नंबर वाला तुम वेरिएबल ले लो, इसने नंबर वाला वेरिएबल लिया, नंबर वाला वेरिएबल लेके नंबर में कौन सी वैल्यू होल्ड हो रही है, 67। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 67, यहां पे क्या आएगा, 67, और 67 में वो ए क्या कर देगा, जमा कर देगा, क्या बन जाएगा, 68। नीचे क्या आंसर आना चाहिए, 68 आना चाहिए। अब आप ये ना समझ लीजिएगा यहां पे आके कि अभी 67 के अगेंस्ट जो सिंबल है वो प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि अब मैं इससे कोई सिंबल प्रिंट नहीं करवा रहा। अगर मैं ये ना करता ये, तो 67 के मध्य मुकाबिल जो सिंबल होना था, जो लेटर होना था, वो प्रिंट होना था। पहले हम करके देख लेते हैं, क्या प्रिंट हुआ, सी प्रिंट हुआ। अब मैं यहां पे नंबर प्लस वन कर देता हूं, अब क्या प्रिंट होना चाहिए, 68 प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, 68। करके देखते हैं कि 68 ही प्रिंट होता है, कोई और हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, 68। और मैं यहां पे एक इंट वाला लेता हूं, इंट सेकंड नंबर इक्वल टू, उसको भी मैंने वैल्यू देते 67 की, ठीक है, साउट मैं कहता हूं सेकंड नंबर और उसमें कर दो एक जमा कर दो। इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना जी। करके देखते हैं, ये लें जी 68 68। तो करेक्टर डेटा टाइप है ये, बैक वक्त क्या है, स्ट्रिंग भी है और बैक वक्त क्या है, इंटीजर भी है। ठीक हो गया, करेक्टर डेटा टाइप ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, ये इजाफी डिटेल थी एडवांस लेवल की जो आपको बताती हैं कि जो करेक्टर डेटा टाइप होती है वो स्ट्रिंग की तरह भी बिहेव करती है और इंटीजर की तरह भी बिहेव करती है, और फिर आपको करके दिखा दिए। ठीक हो गया, हाँ लेकिन स्ट्रिंग में थोड़ा सा एक फर्क रहेगा कि स्ट्रिंग में आप एक से ज्यादा यहाँ पे लेटर देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं वाई है यहां पे इसके साथ मैं जी भी प्रिंट कर देता हूं, लेकिन करेक्टर में जब मैं यहां पे सिंगल कोट्स में डबल मैं नहीं दे सकता, ऐसे ही है ना, ये एक थोड़ा सा फर्क है इसमें। दूसरे नंबर पे ये कि जो करेक्टर डेटा टाइप है वो इंटीजर भी है, क्या है, इंटीजर। नंबर तीन पे जो करेक्टर डेटा टाइप है वो करेक्टर, आप कोई भी नंबर लिखें उसके अगेंस्ट जो करेक्टर और सिंबल होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा देगी, क्या करवा देगी, वो यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा देगी। सिर्फ अब यहां पे देखें, अगर मैं इन लाइनों को आप छोड़ दें, आप सिर्फ इस लाइन पे आ जाए, यहां पे 67 किसका कोड है,
छे का कोड है, किसका कोड है? आप यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे देखते हैं 67 किसका कोड है? छे का कोड है। लिहाजा यहाँ पे 67 जो है, यहाँ पे 67 क्या प्रिंट होना चाहिए? अगर ये वाली लाइन ना हो, ये वाली लाइन समझ लो कि है ही नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साउट नंबर, क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे? लाइन नंबर 12 में क्या प्रिंट होना चाहिए? सी। लाइन नंबर 13 में क्या प्रिंट होना चाहिए? खास। कुछ फर्क समझ में आ रहा है? लाइन नंबर 13 में 68 क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे उसके रिजल्ट का बिहेवियर बदल दिए। हम यहाँ पे ये नहीं उसे कह रहे कि 67 के मद्दे मुकाबिल जो सी आ रहा है वो रिटर्न करो, नहीं, हम कह रहे हैं कि जो तुम्हें नंबर दिया गया उसकी जो भी वैल्यू उसमें एक प्लस कर दो, प्लस करके वो हमें तुम रिटर्न करवाओ। तो हमें क्या रिटर्न करवाएगा? 68। चला के देख लेते हैं क्या रिटर्न हो रहा है। 68 रिटर्न हो, यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है? ये कौन सी लाइन में है? ये हमें यहां से कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी लाइन में है? नहीं ना पता चल रहा है यहां से। आप प्रिंट जब आपने करवाना ना, शुरू में लाइन नंबर का भी जिक्र कर दें, लाइन नंबर का जिक्र कर लो डबल कोट्स में, डबल कोट्स हमने दे दिए। लाइन नंबर कौन सी है? 13। ये लिखने के बाद आगे जमा का निशान दे दे, कौन सा जमा? ये होता है, इसे कहते हैं कॉनकैटिनेट। इसे क्या कहते हैं? कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का मतलब क्या होता है कि आप दो चीजों को जमा कर रहे हैं। दो चीजों को क्या कर रहे हैं? मैंने एक ये सेंटेंस लिखा, सेंटेंस लिखने के बाद मैंने जमा का अपना साइन लगाया यहाँ पे, और उसके बाद मैंने कहा कि ये वाला भी यहाँ पे प्रिंट कर दो। अब देखते हैं, अब इसे करें, लाइन नंबर 13 आगे क्या आ गया? C1। यहाँ पे नंबर की जगह पे क्या ले आया वो? नंबर की जगह पे सी ले आया, और आगे उसने जो हमने 1 लिखा था वो ले आया। यहाँ पे उसने थोड़ी सी मिस्टेक की है, हम इसकी मिस्टेक को यूं सीधा करेंगे, समझ लग जाए तो अच्छी बात, ना लगे तो फिर भी गुड है, कोई टेंशन लेने की चीज नहीं है कि यहाँ पे ये किस तरह हम कर रहे हैं, यही चीजें आपकी आगे जाके क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया? यहाँ पे अब क्या हो गया, लाइन नंबर 13 मैं इसका यहाँ पे यूं कर देता हूँ, कुछ बढ़ा देता हूँ ताकि पता चले कि वो बिल्कुल इकट्ठा ही कर रहे हैं 13। ये लाइन नंबर 13 में क्या प्रिंट हो गया? 68। और 68 ही प्रिंट होना चाहिए था ना यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे अब इसे खत्म कर दूं, अब क्या प्रिंट होना चाहिए लाइन नंबर 13 में? सी प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं लाइन नंबर 13 में सी प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है? ठीक हो गया। मैं इसी को आप जरा मुख्तसर खुलासा बयान कर देता हूं जो आपने ज़हन में रखना है। करेक्टर डेटा टाइप, मैं यहाँ पे कोई भी ले लेता हूँ इसका वेरिएबल टेस्ट। करेक्टर डेटा टाइप में आगे आप जो भी नंबर लिखेंगे वो उस नंबर के अगेंस्ट जो भी हरफ आ रहा होगा या जो भी अलामत आ रही होगी वो प्रिंट करवाएगा, उस करेक्टर को प्रिंट करवाएगा। किसको प्रिंट करवाएगा? करेक्टर को, इन नंबर्स को प्रिंट नहीं करेगा। देखते हैं सीज 54 में कौन सा करेक्टर आ रहा है। जी, सीज 54 में ये वाला करेक्टर और सिंबल आ रहा है, ठीक है। और अगर आप किसी करेक्टर को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फिर आप सिंगल करेक्टर देंगे, और किस में देंगे? सिंगल कोर्स में देंगे, सिंगल कोर्स में दे दें, और आप सिंगल करेक्टर सिंगल सिंबल कोई भी दे दें। अब क्या प्रिंट होना चाहिए? ये परसेंटेज वाला साइन प्रिंट होना चाहिए। क्लियर हो गया ये वाला? ये तो थी जो हमारी कल वाली, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप कल हमने शुरू की थी पढ़नी। प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव कहते हैं इब्तदाई को, किसे कहते हैं? जावा के इब्तदाई जो डेटा टाइप है ये वाली है, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, बुलियन है और करेक्टर है। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाती है, जो कितनी है टोटल? इसके अलावा कितनी है, कौन सी डेटा टाइप कहलाएंगे? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं या उसे रैपर डेटा टाइप कहते हैं, और ये अनलिमिटेड होती हैं, बेशुमार होती हैं। आगे हमने जाके खुद अपनी डेटा टाइप भी बनानी है, आगे जाके हमने खुद क्या करना है? अपनी डेटा टाइप भी बनानी है। फिर जो हम डेटा टाइप बनाएंगे फिर हम यहाँ पे लिखा करेंगे जो हम खुद बनाएंगे, और वो बेशुमार हो सकती है, अनलिमिटेड होती है, उनकी कोई हद नहीं है, वो लिमिटलेस है। लेकिन जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो टोटल कितनी है? 8 है। बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, इन्होंने नंबर्स को हैंडल करना है,
फ्लोट और डबल ने किसे हैंडल करना है, इशारी वाले को बुलियन में सिर्फ दो ही वैल्यू आनी, ट्रू और फॉल्स। और करेक्टर का डेटा आपके सामने आ गया कि कोई भी आप नंबर लेके उसके अगेंस्ट जो करेक्टर आ रहा होगा, जो सिंबल आ रही होगी, उसे रिटर्न करवाने के लिए। यहां तक क्लियर हो गया? जी सर। आज की क्लास यहीं तक थी।